हेलो एवरीवन, आज हम 8वीं कक्षा की विज्ञान विषय की अभ्यास कार्य पुस्तिका में अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। और इसमें यहाँ पर वायरस, जीवाणु, कवक, इनके बारे में दिया गया है। वायरस क्या होते हैं पहले तो ये दिया गया है। देखिए वायरस के बारे में कि ये बेहद सूक्ष्म और एक कोशिकीय होते हैं। इन्हें निर्जीव व सजीव दोनों ही श्रेणियों में रखा जाता है। ये विभिन्न आकृति के होते हैं, जैसे छड़ाकार, गोलाकार आदि। ये अपने भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें परजीवी कहा जाता है। अब बात आती है जीवाणु की। जीवाणु जो है ये एक कोशिकीय होते हैं। ये सभी जगह पाए जाते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में भी। ये भी विभिन्न आकृतियों के होते हैं और परजीवी कहलाते हैं, जैसे छड़नुमा, स्पाइरल जीवाणु आदि। अब आगे बात आती है कवक की। ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी। जो कवक अपना भोजन सड़े गले या मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जो दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं वे परजीवी कहलाते हैं। इनके अलावा भी कई अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। ये सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी, जैसे म्यूकर, पेनिसिलियम आदि। अब आगे यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है, जैसा कि आप इस चित्र को ध्यान से देख रहे हैं, है ना। इसमें चित्र में यहाँ पर देखिए, ये चित्र हो गया। और अब आगे यहाँ पर देखिए गतिविधि दे रखी है। इसमें गतिविधि में एक में है कि तुमने अपने आसपास की ज़मीन पर छोटे छोटे गड्ढे तो देखे होंगे, तुमने उन्हें बारिश में भरते हुए देखा होगा, परंतु जैसे जैसे वर्षा ऋतु का समय निकलता है इन गड्ढों में भरा पानी गंदा धुंधला दिखने लगता है और उसमें छोटे छोटे जीव, मच्छर आदि इकट्ठा होने लगते हैं। तो यहाँ पर जो हम चित्र देख रहे हैं, देखिए यहाँ जो चित्र दिया गया है इसमें क्या है कि यहाँ पर आसपास ज़मीन पर कुछ गड्ढे दिखाए गए हैं और इसमें इन्हीं की यहाँ पर चर्चा की गई है। इसमें कहा है कि जब वर्षा का समय, ऋतु का समय जो है निकलता है तो इन गड्ढों में गंदा पानी, धुंधला पानी दिखाई देने लगता है, छोटे छोटे जीव इकट्ठा होने लगते हैं। तुम इस पानी की थोड़ी मात्रा किसी बोतल में इकट्ठा करो और इस पानी की कुछ बूंदें स्लाइड पर डालो, फिर इसे माइक्रोस्कोप में देखो। पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य की गतिविधि 1 की सहायता लेकर तुम अपना माइक्रोस्कोप भी बना सकते हो। तो अब यहाँ पर देखिए माइक्रोस्कोप से ये बच्चा जो है वो देख रहा है। और इसमें यहाँ पर ये देखिए, इसमें यह है कि तुम्हें क्या दिखाई दिया, जो दिखा उसका चित्र भी बनाओ। तो यहाँ पर इसमें जब हम देखेंगे ना उस पानी में, तो सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ, स्पाइरोगारिया, शैवाल आदि दिखाई देते हैं। और इनके यहाँ पर देखिए ये चित्र भी बनाए गए हैं। चित्र को ध्यान से देखिए, ये अमीबा का चित्र है, ये स्पाइरोगायरा का चित्र है, ये नील हरित शैवाल दिखाई गई है इसमें। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोप में दिखाई देने वाली संरचना के लक्षण लिखो। इसके लक्षण में है नीले हरे रंग के सूक्ष्म जीव, अनियमित आकृति और गतिशील सूक्ष्म जीव, ये होते हैं। अब आगे इसने यहाँ पर दूसरी गतिविधि दी है। वो ऊपर जो हमने देखी थी वो एक गतिविधि थी, गतिविधि 2 है। सूक्ष्म जीव किन किन परिस्थितियों में वृद्धि कर सकते हैं, इसे जानने के लिए तुम समूह में एक प्रयोग करो।
इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए पॉलिथीन की थैलियां, सेब के टुकड़े, संतरे की फांके, केले के छिलके, आलू के टुकड़े, ब्रेड, रोटी, फूल की पत्तियां, मोमबत्ती और माचिस। सेब, संतरे और आलू के टुकड़े, इन सभी जैव पदार्थों की थोड़ी थोड़ी मात्रा लो और एक पॉलिथीन की थैली में डालो। आगे है प्रश्न इसमें कि इस तरह की अलग अलग 5 थैलियां और बना लो और सारणी में दी गई परिस्थितियों के अनुसार रखो और अपने अवलोकनों से सारणी को पूरा करो। तो फिर हम क्या देखेंगे इसमें, कैसी स्थिति दिखाई देती है इसमें, है क्या वह किस स्थिति में रखा है और सूक्ष्म जीव की वृद्धि कैसी है, अत्यधिक है, अधिक होगी, कम होगी या बिल्कुल नहीं। तो इसमें सूखा जैव पदार्थ खुली थैली प्रकाश में रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं सूक्ष्म जीव की वृद्धि होगी। जब हम इस सामान को अंधेरे में रखेंगे, सूखा जैव पदार्थ और खुली थैली अंधेरे में रखेंगे तो कम वृद्धि दिखाई देगी। जब हम इन्हें प्रकाश में रखेंगे, सूखा जैव पदार्थ है, बंद थैली है, थैली बंद कर देंगे और प्रकाश में रखेंगे तो भी वृद्धि कम होगी। सूखा जैव पदार्थ है, बंद थैली में है और अंधेरे में है, तब भी कम वृद्धि होगी उसकी। जैव पदार्थ गीला करके रखेंगे और खुली थैली में रखेंगे तो इसमें वृद्धि अधिक होगी, और जैव पदार्थ गीला करके बंद थैली में रखेंगे तो अत्यधिक होगी, सबसे ज़्यादा होगी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि। ठीक है, अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि क्या जीवाणु हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, अपने शिक्षक और साथियों से चर्चा करके लिखो। तो इसका उत्तर होगा हाँ, कुछ लाभदायक जीवाणु जो हमारे भोजन में होते हैं वे हमारे शरीर में चले जाते हैं और हानिकारक सूक्ष्म जीव भी हमारे शरीर में चले जाते हैं। हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव भी भोजन का पाचन करते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें कि सूक्ष्म जीव कौन कौन से आवास में रहते हैं। वो वायु में रहते हैं, जल थल में रहते हैं, उष्ण स्थानों पर रहते हैं और जीवों के शरीर में रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, ऐसे कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम लिखो। तो उसमें आ जाता है जीवाणु, इकोलाई और लैक्टोबैसिलस। आगे की गर्मी के दिनों में खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, दाल, दूध इत्यादि जल्दी खराब हो जाते हैं। ज़्यादातर घरों में खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचने के लिए उन्हें फ्रीज में रख दिया जाता है। जिन घरों में फ्रीज नहीं होता वहाँ खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के अन्य तरीके अपनाए जाते हैं। अब यहाँ इससे आधारित क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। फ्रीज या रेफ्रिजरेटर में रखने पर खाद्य पदार्थ शीघ्र खराब नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है जो भोजन को खराब करते हैं। जो भोजन को खराब करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती कम तापमान पर। बड़े स्तर की इसी विधि से खाद्य सामग्रियों, फलों, सब्जियों आदि को सुरक्षित रखने के लिए व्यापारी किसका प्रयोग करते हैं? वो कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग करते हैं और शीत भंडार यानी कि जिसे बोलते हैं। घरों में रेफ्रिजरेटर के अलावा और कौन से साधन या विधियां हैं जिनके द्वारा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है, पता करके लिखो। तो इसको हम जो है चीज़ों को गर्म करके रख सकते हैं, अचार, मुरब्बा, जैम बनाकर भी उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, फलों को सुखा कर रख सकते हैं। यदि दूध को बिना गर्म किए रख दिया जाए तो वह खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव तेजी से वृद्धि कर जाते हैं। आगे यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। मटर के पौधों की जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं, इनका क्या कार्य होता है? तो इसमें जो है राइजोबियम जीवाणु होते हैं और इनका कार्य जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना है। सूक्ष्म जीवों के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, पता करके लिखो। इससे जो है दूध से दही बनाने में हेल्पफुल होते हैं, ये शराब बनाने में, मृत जीवों के अपघटन में और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। आगे है कि सूक्ष्म जीवों से होने वाले नुकसान के कोई 3 उदाहरण लिखो। तो इसमें पहला है जीव व पादपों में रोग के कारक, दूसरा है खाद्य विषाक्तता का कारण,
और तीसरा है उपयोगी वस्तुओं को खराब करना। किन्हीं चार पदार्थों के नाम लिखो जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के काम आते हैं। उसमें है, एक तो है सोडियम बेंजोएट, एक है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, नमक, चीनी, सिरका और प्रतिजैविक। इसी तरह से आगे यहाँ पर आ जाता है कि दैनिक जीवन में इन पदार्थों का उपयोग कहाँ करते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तो उसका जैम जो है, जैम स्क्वेस बनाने में, नमक, मांस मछली का परीक्षण, चीनी, जैम जेली व स्क्वेस का परीक्षण और तेल और सिरका अचार का परीक्षण। अब यहाँ पर आगे इसमें क्वेश्चन है कि दूध को दही में बदलने का कार्य लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु करते हैं। जीवाणु ये क्रिया एक निश्चित तापमान पर ही कर सकते हैं। उनकी यह क्रिया किण्वन कहलाती है। इस क्रिया के अन्य उपयोग पता करके लिखो। तो अन्य उपयोग में सर्राप बनाने में हेल्पफुल है, ब्रेड, केक, इडली, डोसा बनाने में हेल्पफुल है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उसी तरह कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। और अब यहाँ पर इसमें है कि सूक्ष्म जीवों में होने वाली बीमारियों के कोई तीन उदाहरण लिखो। इसमें हो जाता है चिकन पॉक्स, हैजा, अक्षयरोग, खसरा और पोलियो। कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीवों के नाम लिखो। इसमें जीवाणु हैं, विषाणु हैं और प्रोटोजोआ है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है इसमें कि निम्न साधनों द्वारा प्रसारित रोग व उनके कोई दो कारक का नाम लिखो। तो इसमें वायु द्वारा रोग का नाम है क्षय रोग है और रोग का कारण है जीवाणु। जल के द्वारा टाइफाइड होता है, जीवाणु का कारण होता है, इसका रोग का कारण जीवाणु होता है। भोजन द्वारा जो है वो हैजा और यहाँ पर इसके रोग का जो कारक है वो है जीवाणु। संपर्क द्वारा चिकन पॉक्स हो जाता है और वायरस यहाँ पर इसका कारक है। कीट व जंतुओं द्वारा मलेरिया होता है और यहाँ पर इसमें रोग का कारण है प्रोटोजोआ। आगे है यहाँ पर कि अपने शिक्षक व साथियों की मदद से निम्न सारणी को भरो। अब यहाँ तिसार दिया है, मानव के रोग दिए गए हैं इस साइड, और यहाँ है सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाता है, यानी प्रोटोजोआ फैलाता है यह तिसार। और दूषित भोजन, अस्वस्थ हाथों से भोजन करना, इनसे ये फैलता है। और इसके लक्षण है पेट दर्द और दस्त लगना। इसी तरह से हैजा जो है वो जीवाणुओं से फैलता है, दूषित भोजन से होता है और इसका लक्षण पेट में दर्द हो जाता है, हाथों का कमजोर होना है। खुजली जो है ये परजीवी कवक है, इसका रोग फैलाता है। सूक्ष्म जीव जो है इसमें परजीवी कवक होता है और संचरण का वायु संपर्क में आने से फैलता है। और त्वचा पर दाने और खाज खुजली हो जाती है। दाद जो है वो कवक से फैलता है, वायु के संपर्क में आने से। और शरीर पर गोल गोल लाल रंग के जो है चपते बन जाते हैं। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर इसमें है टीबी, यानी कि अक्षय रोग जिसे कहा जाता है, जीवाणु से फैलता है। रोगी द्वारा छोड़ी गई सांस, थूकने, छींकने आदि से संक्रमित वायु द्वारा ये फैलता है। और बलगम आती है, खांसी होती है, मुंह में खून आना, ये इसके लक्षण है। टाइफाइड में जीवाणु है और दूषित जल से फैलता है। बार बार बुखार आता है इसमें। और पीलिया है, ये वायरस है एक, और दूषित जल और भोजन से फैलता है। और शरीर का पीला पड़ना, भूख न लगना, मूत्र अधिक पीले रंग का आना, ये इसके लक्षण हैं। आगे क्वेश्चन है कि अवशिष्ट जल के उपचार में सूक्ष्म जीव किस प्रकार सहायक होते हैं। सूक्ष्म जीव अवशिष्ट जल में पाई जाने वाली अशुद्धियों को खाते व अपघटित करते हैं। अब इसमें आगे आ जाता है जंतुओं, पादपों द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग करते रहने पर भी वायुमंडल में इसकी मात्रा स्थिर बनी रहती है। ऐसा नाइट्रोजन चक्र के द्वारा होता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले तीन रोगों के नाम व उनके कारक भी बताओ। तो उसमें है गेहूं की रस्ट, कवक, नींबू का कैकर, जीवाणु, भिंडी का पीतरो, वायरस। इसमें ये हम लिखेंगे।
अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 27 के चित्र संख्या 2.10 में नाइट्रोजन चक्र का चित्र दिया गया है। इस चित्र की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसमें है नाइट्रोजन पेड़ पौधों तक कैसे पहुंचती है। इसमें मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नील हरित शैवाल वायुमंडल से नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदलते हैं जिन्हें पौधे भूमि से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन का यौगिकीकरण का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में बदलना। इसी तरह से यहाँ पर आगे इसमें है कि वर्षा जल से अधिक पैदावार होती है क्यों। इसमें महत्वपूर्ण नाइट्रेट्स होते हैं जिनको पौधे अपनी जड़ों द्वारा सोख लेते हैं और पैदावार अच्छी होती है। अब आगे यहाँ पर है कि बिजली कड़कने पर चिंगारियों के प्रभाव से ऑक्सीजन से जुड़कर वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। पानी में ऑक्सीजन से जुड़कर यह नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है। एक अनुमान के मुताबिक 24 घंटों में लगभग 250,000 टन नाइट्रिक एसिड इस तरह बनकर और हवा में घुलकर पृथ्वी पर उतर आता है। यह एसिड मिट्टी में मौजूद कार्बोनेट और क्षारों से प्रतिक्रिया कर नाइट्रेट बनाता है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम व मैग्नीशियम आदि के नाइट्रेट इसी प्रकार से बनते हैं। वनस्पतियों के लिए ये महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा नाइट्रेट को सोख लेते हैं। अब इसी के साथ ही ये पाठ जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन ज़रूर मिल जाता है। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।